उचित व्यवस्था की हुई है बलमबाग स्टेशन पर पैसेंजर्स के लिए। जब एक इंजन आ रहा है ना, काम रहता है, इस वजह से कुछ कुछ बीच में चल रहा है। ओएचबी वायर की बात करें तो ओएचबी वायर से रिलेटेड अभी कोई काम नहीं हुआ है, हालांकि फिनिशिंग की बात करें यहाँ तक ही हुआ है अभी इलेक्ट्रिक पोल से रिलेटेड काम 5 तक। हालांकि खरकड़ा से बड़म्बा के बीच में रहता है ये काम, बाकी 29-3 पर है ये, यानी कि यहाँ से आप मैम की तरफ जाएंगे। मैम के दोस्तों जय श्री श्याम, पुनीत रोहिला व्लॉग चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अभी आए हैं दोस्तों हम बड़म्बा के रेलवे स्टेशन पर, और बड़म्बा के रेलवे स्टेशन पे जो भी अपडेट होगी आज वो देंगे। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए चलते हैं बड़म्बा के स्टेशन पर और देते हैं आपको आज की अपडेट। तो भाई स्टार्ट बात करें तो बड़म्बा की, तो भाई अभी ये टिकट बुकिंग विंडो है जहाँ से आप टिकट बुक कर सकते हैं। और बात करें तो भाई अभी कुछ कोई स्टाफ वगैरह नहीं बैठा यहाँ पर, लो अभी चला कुछ गांव के लोग भी आए हुए यहाँ पर, इनसे भी पूछेंगे कुछ। जी नमस्कार। नमस्कार भाई, तो रेल वगैरह रोज आते जी? हाँ जी रोज आओ, रात को भी आओ और दिन में भी आओ है। अच्छा, दो दो चक्कर भी हो जाए, तीन तीन भी हो जाए, कई बार तीन चार बार आ जाए रात में भी। पैसेंजर अभी कौन चली है? पैसेंजर नहीं चली, अब उसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा, अभी थोड़ा टाइम भी लगेगा। और भाई अभी स्टाफ की वैसे शायद नियुक्ति नहीं होगी, हॉल्ट स्टेशन है ये अभी, जैसे ही पैसेंजर वगैरह ट्रेन स्टार्ट होगी जब शायद स्टाफ की नियुक्ति भी हो जाएगी। और अभी ये छोटे छोटे बैठे हुए हैं अभी डॉगी, रेल का इंजन आता हुआ और ये फिर जाएगा खरखड़ा की तरफ। ये हालांकि पोल वगैरह और रेवड़ी क्रेशर का मसाला ले रखा है इसने, जाके जहाँ पे फाउंडेशन बन रही है वहाँ पर फाउंडेशन में जो रोड़ी वगैरह इस्तेमाल होती है वो चीज़ लेके आ रहा है, और जहाँ पर जरूरत होती है वहाँ पर उतार देते हैं। आगे आपको बड़म्बा स्टेशन का और व्यू, हेडपम्प भी लगाया हुआ है एक बड़म्बा स्टेशन पर। और इलेक्ट्रिक की बात करें तो भाई पोल वगैरह और फिनिशिंग और ब्रैकेट्स का काम कंप्लीट हो चुका है बड़म्बा स्टेशन पर। तो भाई देख सकते हैं आप यहाँ पर ये सारे काम फिनिश हो चुके हैं, ब्रैकेट से लेके सब कुछ काम कंप्लीट है, बस ओएचबी वायर लगाने का काम जरूर रहता है बड़म्बा स्टेशन पर। और भाई बैठने के लिए भी उचित व्यवस्था की हुई है बड़म्बा स्टेशन पर पैसेंजर्स के लिए। चलिए आगे चलते हैं और आगे भी दिखाते हैं आपको कुछ काम। और लाइट की बात करें भाई, लाइट वगैरह की फुल व्यवस्था है, और एक व्यू देख सकते हैं भाई कितना शानदार आ रहा है ये स्टेशन के बिल्कुल साइड साइड में। और अभी एक इंजन आ रहा है, ये भाई इंजन है, कुछ फाउंडेशन का काम रहता है इस वजह से कुछ कुछ बीच में चल रहा है। ये जाता हुआ मैम की तरफ, और आगे भी दिखाएंगे आप लोगों को क्या कुछ चल रहा है इस पर बड़म्बा स्टेशन पर। आज ये हमारा पहला वो है, हालांकि इससे पहले हम कभी बड़म्बा स्टेशन पर आए नहीं हैं, तो ये हमारा पहला टूर है बड़म्बा स्टेशन का। वो आगे जा चुका है इंजन, और आसपास ग्रिल वगैरह का पूरा प्रबंध किया हुआ है रेलवे ने, और पानी के पीने की भी उचित व्यवस्था है, दो दो तीन तीन हेडपम्प भी लगाए हुए हैं यहाँ पर स्टेशन पर। और हालांकि ओएचबी वायर की बात करें तो ओएचबी वायर से रिलेटेड अभी कोई काम नहीं हुआ है, हालांकि फिनिशिंग और इलेक्ट्रिक पोल को जो 90 डिग्री पर सीधा किया जाता है वो काम कंप्लीट हो चुका है। तो भाई यहाँ पे भी एक शेड लगाई हुई है बैठने के लिए स्टेशन पर, और हम थोड़ा उस साइड भी चलेंगे और इस साइड भी चलेंगे, कुछ काम होता होगा तो वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। तो भाई अगर बात करें तो ये भाई 28.9 के पास पहुंच चुके हैं, 28.9 पर, और 28 के करीब करीब ये स्टेशन पड़ता है बड़म्बा का। चलिए आगे चलते हैं, और भाई बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं बड़म्बा स्टेशन के, और इसके आगे भी थोड़ा चलेंगे और आपको काम दिखाएंगे। और भाई कुछ बताएं तो भाई अभी अगर पैसेंजर
चलाने की बात है, तो वो कह रहे हैं कि भाई फरवरी के लास्ट में या जनवरी मार्च के स्टार्टिंग में हो सकता है, क्योंकि भाई अभी इलेक्शन है तो इलेक्शन में आचार संहिता भी लगनी है, फिर अगर आचार संहिता के बाद कोई भी नया काम की वो नहीं हो सकती, इस वजह से या तो आचार संहिता से पहले होगा ये काम, या फिर अगर बात करते हैं तो 3 महीने बाद आचार संहिता हटेगी वो लगभग, क्योंकि इलेक्शन टाइम से पहले जैसे ही इलेक्शन की डेट फाइनल हो जाती है तो आचार संहिता उसी दिन लग जाती है, उसके बाद फिर नॉमिनेशन से लेकर और इलेक्शन होने तक और इलेक्शन होने से रिजल्ट तक तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लगभग अराउंड 2 से 3 महीने लग जाएंगे उस बात में। तो आई थिंक मुझे लगता है कि भाई ये पहले ही कर देनी चाहिए इस लाइन की शुरुआत, या पहले करेंगे या बाद में वो देखने वाली बात होगी, लेकिन जैसे ही कोई अपडेट आएगी पैसेंजर ट्रेन से रिलेटेड वो भी अपडेट हम चैनल पर डालते रहेंगे आपके लिए। तो अभी स्टेशन से लगभग 500 मीटर की दूरी पर आ चुके हैं और आगे चलेंगे, क्या कुछ चल रहा है वो भी दिखाएंगे आप लोगों को। ब्रैकेट वगैरह के काम सारे फाइनल हो चुके हैं, सिर्फ OHB वायर जो लगाने का काम है वो जरूर रहता है भाई, और कुछ काम चल रहा है वो भी दिखाएंगे आज आपको आगे। 28.7 किलोमीटर पे आ चुके हैं अब, और थोड़ा काम आगे चल रहा है वो दिखाएंगे आपको। और भाई पिछले ब्लॉग में हमने जब कवर किया था सोरखी स्टेशन, तो भाई सोरखी से लेके जो हांसी से गड्डी का है वो काम कंप्लीट हो चुका है, हमने पहले ही दिखा दिया था आपको, और गड्डी से सोरखी के बीच में भी कुछ कुछ काम कंप्लीट था और कुछ जगह पे रहता था, वो लगभग आज से 7 दिन पहले की बात है, तो हालांकि वहाँ पर भी कुछ काम जरूर होया होगा अब। और बाकी जहाँ से हमने छोड़ा था सोरखी से आगे किलोमीटर, तो वहाँ से लेके जो मुंडाल स्टेशन है वहाँ के बीचों बीच में भाई फाउंडेशन का काम और इलेक्ट्रिक पोल लगाने का काम जरूर रहता है। स्टेशन की बात करें यहाँ तक ही हुआ है अभी इलेक्ट्रिक पोल से रिलेटेड काम, इसके आगे हालांकि पोल नहीं लगे हुए, अरे काम जरूर चल रहा है, वहाँ तक आपको लेके चलेंगे जरूर। और भाई चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपको पता है कि आपका भाई लगातार 6 से 7 महीने से इस लाइन पर कवरेज कर रहा है मतलब, और आगे भी ऐसे ही रेल और बस से रिलेटेड हर टाइप के व्लॉग देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आप वीडियो जरूर देख लेते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और अभी 28.5 पे पहुंच चुके हैं, ये लास्ट है दोस्तों, यहाँ से इसके बाद में कोई भी इलेक्ट्रिक से पोल से रिलेटेड कोई काम नहीं हुआ आगे। बलम्बा स्टेशन पर अगर बात करें 28.5 पर पहुँच चुके हैं, और आगे काम चल जरूर रहा है वो भी आज साथ के साथ कवर करेंगे हम। फाउंडेशन का काम चल रहा है दोस्तों, हालांकि फाउंडेशन कुछ बन भी रही है, हालांकि फाउंडेशन की खुदाई का काम जरूर चल रहा है, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर अभी फाउंडेशन बनाई गई है, उसके बाद इसमें इलेक्ट्रिक पोल को लगाया जाएगा, फिर इसकी फिनिशिंग होगी। हालांकि वहाँ तक ही हुआ है, बलम्बा स्टेशन से थोड़ी आगे आते हैं हम, यहाँ तक ही सारे काम कंप्लीट है, इसके आगे फाउंडेशन जरूर बना रहे हैं, अभी नई बनी है बिल्कुल, और 28.5 तक ही लगे हुए हैं खंभे, उसके बाद हालांकि फाउंडेशन खुदने का काम जरूर चल रहा है, लेकिन कोई इलेक्ट्रिक पोल अभी नहीं डले हैं अभी आगे, और आगे भी चल के दिखा रहे हैं आपको। और अभी ये फाउंडेशन भी अभी बिल्कुल नई तैयार की गई है, अट्ठाईस पे हालांकि बलम्बा का स्टेशन। और भाई स्टेशन के पास एक दो भाई थे वहां बैठे थे, उनसे पूछा तो बोल रहे थे कि भाई खड़कड़ा से लेके जो बलम्बा के बीच में है जो इलेक्ट्रिक का काम रहता है बाकी हर जगह कंप्लीट है लगभग, अभी फाउंडेशन हालांकि बना रहे हैं जरूर खड़कड़ा से लेके बलम्बा के बीच में, और काम भी चल रहा है, लेकिन बस ये काम बीच बीच में रहता है खड़कड़ा और बलम्बा के, बाकी लगभग कंप्लीट हो चुका है फाउंडेशन से रिलेटेड जो भी काम है। और भाई जैसे खेतों में जाने के लिए यहाँ पर भाई सीढ़ी वगैरह जरूर बनाई हुई है ताकि आम आदमी को कोई परेशानी ना आए, इसी वजह से लगभग हर गांव के आसपास जैसे खेत लगते हैं तो उनके पास जाने के लिए सीढ़ी जरूर बनाई है रेलवे ने ताकि प्रॉब्लम ना हो कुछ लोगों को। और यहाँ पे भी भाई बिल्कुल अभी जस्ट बनाई है ये, बिल्कुल ताज़ा, ट्रैक्टर वगैरह ये पानी के टैंकर वगैरह है इसी कामों के लिए आए गए हैं, और यहाँ पर काम चल रहा है। बलम्बा स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर दूर आने वाले हैं अब हम, ये फाउंडेशन बनाने के लिए जैसे सीमेंट वगैरह का मसाला बनाने के लिए सीमेंट जरूर रखी हुई यहाँ पर, और साथ के साथ में यहाँ काम चल रहा है बनाना सीमेंट रिलेटेड,
इनसे हालांकि थोड़ा बहुत पूछेंगे भी क्या कुछ चल रहा है। और ये एक एच भी लगाया हुआ है, पता नहीं ये किस चीज का साइन है। यहाँ पर स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर दूर और यहाँ फाउंडेशन तैयार की जा रही है, साथ के साथ देख रहे हैं आप। हालांकि खरकड़ा से बड़म्बा के बीच में रहता है ये काम, बाकी तो और जगह लगभग कंप्लीट हो चुका है। जहाँ से भी हमने कवर की है वहाँ तक तो कवर वहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आगे थोड़ा थोड़ा काम बस यही चल रहा है फाउंडेशन से रिलेटेड, जो कि बहुत जल्दी हो जाएगा जो आइडिया है। लो भाई, मतलब ये है कि जैसे स्टेशन से लगभग 500 मीटर तक पोल दिखाए थे हमने, उससे आगे फाउंडेशन का काम जरूर चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो चल रहा है। मतलब अभी काम थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। और इससे आगे अगर इलेक्ट्रिक पोल की बात करें तो अभी इलेक्ट्रिक पोल आगे नहीं लगे हैं, लगभग 1 किलोमीटर बाद बलम्बा स्टेशन से खरकड़ा की तरफ जाते हुए। ये हालांकि यहाँ पे भी फाउंडेशन का काम चल रहा है थोड़ा। ले भाई, यहाँ पर यहाँ तक लग रहा है हमें तो, इसके बाद हालांकि चल रहा होगा तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर अभी फिनिश काम जरूर चल रहा है फाउंडेशन से रिलेटेड, साथ के साथ बनाई जा रही है इनके द्वारा, कर्मचारी लगे हुए हैं। चलिए अब इस तरफ चलते हैं, इस तरफ कुछ अपडेट देंगे अगर कुछ हो रहा होगा काम। वहाँ हमने पीछे की तरफ दे दी अपडेट। और इस साइड बात करें तो भाई सारे काम फिनिश है यहाँ पे भी, इलेक्ट्रिक पोल से जो भी रिलेटेड काम है दूर दूर तक आप देख सकते हैं, सारी जगह ये पोल वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं। बस इसमें OHB वायर डालने का काम जरूर रहता है, थोड़ा आगे भी दिखाएंगे आप लोगों को। और यहाँ पे बैठने की पूरी अच्छी व्यवस्था की हुई है शेड, ताकि बारिश वगैरह में कोई प्रॉब्लम ना आए पैसेंजर को शेड के रूप में। और अगर बात करें तो लगभग 4 से 5 शेड है बलम्बा के स्टेशन पे ऐसी, ताकि बारिश में पैसेंजर को कोई दिक्कत ना आए। और आसपास भाई मौसम देख सकते हैं आप कितना मस्त हो चुका है अब इस टाइम, और खेतों की हरियाली देख सकते हैं एक तरफ। चलते हैं आगे और आगे की अपडेट देंगे आपको। 29-3 पर हैं ये, यानी कि यहाँ से आप मैम की तरफ जाएंगे, मैम के स्टेशन की तरफ है। और वो साइड जब हमने कवर की थी वहाँ पर तो हम खरकड़ा की तरफ जा रहे थे उस टाइम, और इस टाइम मैम की तरफ जा रहे हैं। थोड़ा आगे जाके दिखाएंगे क्या कुछ चल रहा है। हालांकि हम दूर तक दिख रहे हैं भाई इलेक्ट्रिक पोल की सारा कुछ काम कंप्लीट है, चाहे फिनिशिंग हो चाहे वो ब्रैकेट लगाने का काम हो। थोड़ा सा ही आगे जाएंगे, ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। और ये लास्ट वो है, उसके बाद हालांकि स्टेशन कंप्लीट ख़त्म हो जाता है यहाँ से। ले भाई ये लास्ट है, इसके बाद हालांकि ये बड़म्बा का बोर्ड है, उसके बाद आगे लाइन चली जाती है मैम की तरफ है। और अगर हमने जब वो वहाँ के ठेकेदार से बात की जो फाउंडेशन बना रहे थे जहाँ पर, तो वो बता रहे थे कि भाई सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर में ही फाउंडेशन का काम रहता है, बाकी सारे काम कंप्लीट है। और अगर बहू अकबरपुर की बात करें, वहाँ से बता रहे कि भाई इलेक्ट्रिफिकेशन की जो OHB वायर होती है वो काम भी चल रहा है। और वो बता रहे हैं कि भाई 15 फरवरी तक फाउंडेशन का काम कंप्लीट कर लिया जाएगा ठेकेदार वाले भाई साहब के द्वारा, हमें यही बताया गया अभी। बस भाई ये लास्ट पॉइंट है स्टेशन का, और इससे आगे मैम की तरफ चली जाती है लाइन। और भाई यहाँ पर स्लीपर वगैरह भी रखे हुए हैं, और ब्लास्ट और जो पुरानी लाइन है रेलवे की वो भी यहाँ पर पड़ी है अभी भी। ये हालांकि कच्चा रास्ता है गांव की तरफ जाने का, और ये आपका बलम्बा की तरफ जाने का रास्ता है स्टेशन का। लो भी। और भाई आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। आप लोग भाई वीडियो को देख देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, और तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें भाई। और ये आपको देख सकते हैं लास्ट में बिल्कुल हर तरफ आपको ब्रैकेट और इलेक्ट्रिक पोल से रिलेटेड सारे काम कंप्लीट मिलेंगे लाइन पे। और यहाँ पर ब्लास्ट पड़े हैं, और ये थोड़ा स्टेशन बस, बाकी
29.5 पे पहुंच चुके हैं अब। तो भाई यही था आज के ब्लॉग में, उम्मीद करते हैं आपको ये ब्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। सो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और भाई इससे आगे जितने भी है इलेक्ट्रिक पोल सब में सारा काम कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ OHB वायर जरूर लगाने का काम रहता है। तो भाई जय हिंद, जय श्री श्याम।